मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। जी हाँ, ऐसी होती है एक नारी जिनके होते हैं विविध रंग, कभी बेटी कभी बहन, कभी पत्नी तो कभी माँ। यानी कि 365 दिन के 24 घंटे वो लगातार काम करती हैं, लेकिन इसके लिए कभी कोई सैलरी नहीं लेती और कभी उफ तक नहीं करती। वो अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि बच्चों के बच्चों को भी वही दुलार देती हैं। धर्म हो, संस्कार हो या कोई भी कार्य, बड़ी आसानी से मुस्कुरा कर लेती हैं। और जब नाम माता पिता ने गंगा रखा हो तो क्या ही कहने। नाम का हमारे व्यक्तित्व पर बहुत असर पड़ता है। अक्सर हम जो करते हैं उस पर हमारे नाम की भी एक छाप सी होती है, और ऐसी ही है गंगा देवी सक्सेना जी। उम्र 85 वर्ष है, लेकिन स्वभाव से एक भोली सी, प्यारी सी, समझदार बच्ची। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। अपने हर किरदार को निभाकर वो देश की जिम्मेदार नागरिक भी हैं। तभी तो देखिए ना, 2024 के लोकसभा चुनाव के समय इतनी गर्मी के बावजूद जबलपुर शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में लाइन में लगकर उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया। अपने मताधिकार का न सिर्फ प्रयोग किया बल्कि सभी से वोट करने की भी अपील की। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं हमारे जबलपुर शहर के मुखिया कलेक्टर दीपक सक्सेना की माता जी गंगा सक्सेना जी की। जैसा नाम वैसा स्वभाव, यही कारण है कि दीपक जी अक्सर कहते हैं, सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। जी हाँ, गंगा जी की मुस्कान ही ऐसी है कि कोई भी उनसे मिले तो खुश हो जाए। एक बेटी, बहन, पत्नी, माँ और अब दादी नानी का वो किरदार निभा रही हैं। बहू का कहना है कि उनकी नेतृत्व क्षमता बहुत बेहतर है। वो एक कलाकार हैं, धर्म प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, साथ ही सिलाई कढ़ाई बुनाई पेंटिंग में भी नंबर वन है। और अगर उनके हाथ का बना हुआ निवाला खाने को मिल जाए तो भाई क्या ही कहने। सबसे बड़ी खासियत पता है आपको क्या है? संयुक्त परिवार के डोर को उन्होंने ममता, प्यार और अपनेपन के साथ संजोया और अपनी बहुओं को कभी भी बहू नहीं माना बल्कि बहू को बेटी ही माना। तभी आज सास और बहू माँ बेटी जैसी रहती हैं, सखी सहेली जैसे घूमती हैं, मनोरंजन करती हैं और वही लाड़ प्यार और दोस्तों वाला एक किरदार देखने को मिल जाता है। आज के हाईटेक जमाने के समय वो अपडेट भी रहती हैं, लेकिन झगड़ा, लड़ाई, मनमुटाव, ईर्ष्या जैसी कोई भी चीज इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। रचना सक्सेना जी कहती हैं कि जब भी मैं माँ को देखती हूँ तो मुझे एक चीज का अनुभव होता है कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। यह हमारी माँ की दुआओं का हम सबको असर लगता है। तो प्रस्तुत है रेवा टीवी की खास रिपोर्ट गंगा माँ की मुस्कान। नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और जब एक माँ संस्कारी होती है तो वो अपने बच्चे को तो संस्कारित करती ही है, साथ ही साथ दो परिवारों को भी संस्कारित करती है। अब आप कहेंगे दो परिवार कैसे? तो अगर माँ जो है बेटी को संस्कारित करती है तो वो जिस घर में पल रही होती है उस घर में संस्कार होते हैं, और उसके बाद जब वो ब्याह होके जाती है तो दूसरे घर को भी संस्कारित करती है और पल्लवित करती है। और एक नारी जिसको कहते हैं ना कि जब वो विदा होकर किसी मकान में आती है तो उस मकान को घर बनाती है। और आज मैं जिससे आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ उनका नाम ही कितना प्यारा है, गंगा। और माता पिता ने बहुत सोच के रखा होगा, क्योंकि कहते हैं कि व्यक्तित्व पर आपके नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आइए देर ना करते हुए मुलाकात करवाते हैं श्रीमती गंगा जी से, जो कि हमारे जबलपुर शहर कलेक्टर के माता जी हैं। और आप ये कहेंगे कि ये इंटरव्यू किस लिए? तो ये इंटरव्यू उन सभी माताओं के लिए है, उन सभी महिलाओं के लिए है कि जब एक परिवार को किस प्रकार से संस्कारित किया जाता है, पल्लवित किया जाता है, और बच्चे में इतने अच्छे संस्कार होते हैं कि आज एक IAS ऑफिसर होने के साथ साथ वो एक बहुत नेक इंसान है। नेक इंसान कैसे है कि वो जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और ये संस्कार हैं जो गंगा जी ने अपने बेटे में संवारा है, संजोया है। तो आइए देर ना करते हुए मुलाकात करते हैं।
बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी में। तो ये बताइए कि दीपक जी, वैसे तो नाम बहुत अच्छा रखा है और आपके माता पिता ने भी आपका नाम बहुत अच्छा रखा है, बचपन में कैसे थे दीपक जी? अच्छे थे। अच्छे थे, थोड़ी नॉटी नहीं थे? नहीं, नॉटी नहीं थे। अच्छे थे हमारे बच्चे, सभी शाम स्वभाव के। हाँ अच्छे थे, मतलब नहीं किसी से लड़ाई झगड़ा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आज मैं अगर बात करूं कि लोकसभा चुनाव 2024 की, यहां पर मतदान की अगर मैं बात करूं तो जबलपुर शहर में 61% हुआ, और मुझे देखकर बहुत हैरानी भी हुई और एक अचंभा भी हुआ, क्योंकि आप इतनी उम्र दराज होने के बाद लाइन में लगी हुई थी। जो कहते हैं ना कि घर में जो परवरिश होती है, हालांकि आप अगर जबलपुर शहर की मैं बात करूं तो एक मुखिया की तो माँ है, तो इस हिसाब से तो आप पहली मुखिया हुई, और कहते हैं कि जबलपुर शहर के प्रथम नागरिक जैसे महापौर होते हैं वैसे मुखिया का बहुत स्थान होता है, लेकिन उसके बावजूद आप लाइन में लगी हुई थी, उसके बाद आपने वोट दिया, और एक जो कहते हैं ना कि जिम्मेदार नागरिक उसका कर्तव्य निभाया। वो लोग जो घर में बैठे हुए थे और उसके बावजूद नहीं निकले, उनको क्या कहेंगे आप? जी वोट डालने का सबका अधिकार है, तो सब कुछ जानना चाहिए। बिल्कुल, और नहीं जाना तो उसके लिए क्या कहें। और एक एक वोट कहते बहुत कीमती होता है, और अगर जब आप अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं तो 5 साल में एक बार एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मैंने ये भी देखा वहाँ पर, आपकी और बहू रानी की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। वो कैसे है भाई? बहुत अच्छी है, सुबह जी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहू नहीं बल्कि आपको बेटी मिली। अक्सर ये बोला जाता है कि जब भी एक बेटी ब्याह होके घर से दूसरे परिवार में जाती है तो कई सास ऐसी होती हैं कि जितनी भी आप बहू की बड़ाई कर ले उसको कमी ही नजर आती है, उसको अपनी बेटी अजीज होती है एज कम्पेयर टू बहू की अगर मैं बात करूँ, और वो अक्सर तालमेल बिठाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है एक बहू को, लेकिन जब एक बेटी ब्याह के दूसरे घर में आती है और बेटी सरीखे आती है तो ना वो तालमेल की कमी होती, जैसे कि गंगा जी ने कहा कि बहुत अच्छी बेटी है, उन्होंने बहू नहीं कहा, और जैसे ही उन्होंने बेटी कहा तो सीधे सारा मामला जो है वो सॉल्व हो गया। और मेरे घर में अगर मैं बात करूँ ना तो मेरे पतिदेव को ज़्यादा डांट सुननी पड़ती है, मुझे तो कभी सुननी नहीं पड़ती। तो आपके यहाँ भी ऐसा है क्या? नहीं, कभी कभार तो किसको डांट पड़ती है, बेटे को कि बहू को? बेटे को। तो ये है एक्चुअली। और जो माताएं देख रही हैं आपको, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो अपने बहुओं के साथ कैसा व्यवहार करें? बेटी से ब्याह अपने बेटे को रखते हैं, बहू को रखते जी। तो जैसा आप बेटी के साथ अपना व्यवहार रखते हैं वैसा ही आप अपने बहू के साथ रखिए। और जो आजकल बहू और सास मिलकर टीवी शोज देखती हैं और उसके बाद लड़ाई झगड़े पैतरे करती हैं, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं करना चाहिए ना, गलती कहते हैं, गलती सास की होती है जी। तो गलती सास की होती है, तो भैया ये जो बैठ के आप लोग पैतरे देखते हैं ना टीवी शोज, उसको देखना बंद कीजिए, कुछ ज्ञानवर्धक चीजें देखनी चाहिए, जैसे आप न्यूज़पेपर खूब पढ़ती हैं। तो ये बताइए कि आप क्योंकि जबलपुर आई हुई हैं, तो जबलपुर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मैं पहले भी रहती थी जबलपुर में। अच्छा, और ये बताइए कहाँ कहाँ घुमा दिया बेटे ने आपको, क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं मिलता, तो बहू रानी ने घुमाया अभी कि नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं घुमाया। भाई शिकायत है कलेक्टर साहब से, मैं पूछूंगी जरूर। और एक्चुअली क्या है, केंद्र सरकार ने अभी उनको टाइम नहीं दिया, और जैसे ही वो आए तो सबसे पहले उनके पास एक नया जो कहते हैं ना कि विवाद खड़ा था उसको उन्होंने सॉल्व किया। जैसे ही सॉल्व किया उसके बाद चुनाव आ गए, एक दिन की भी छुट्टी नहीं। मुझे लगता 15 जून के बाद आपको जरूर घुमाएंगे। तो देखते हैं, तो आप यहाँ भेड़ाघाट जरूर जाइएगा। इसके अलावा घुमाया, अच्छा बहू रानी ने घुमाया, तभी तो बहू जो है बहुत अजीज है। और नर्मदा आरती में गई आपकी? नहीं गई।
अभी नहीं गई? मैं देखी थी मेरा लास्ट। अच्छा अच्छा। और जबलपुर में बहुत सारी चीज़ें घूमने की है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर जाइएगा। और मैं सर से अभी जब मिलूंगी तो मैं उनसे ज़रूर कहूंगी कि भाई पहली शिकायत है एक पूरा दिन आप माता जी के साथ पूरा जबलपुर भ्रमण पे निकली। और त्रिपुर सुंदरी भी देखा है? त्रिपुर सुंदरी भी देखा है? मेरा भतीजा देखा था। अच्छा 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 तो जबलपुर पहले आ चुकी हैं आप? दो बार पहले आ चुकी हूँ, नाइन्थ में था। अच्छा, जब नाइन्थ में थे तब आए थे आप। तो एक सफल परिवार के लिए जो लोग देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आज के समय को देखते हुए? क्या संदेश? एक सुखद परिवार जैसा आपका है, लोग भी वैसे जीवन जी सके बिना लड़ाई झगड़े के, शांति के साथ। हाँ, बिना लड़ाई झगड़े के शांति से रहना चाहिए। भगवान को देखने में समझना चाहिए, मेरे भगवान को समझना चाहिए। तो बहुत अच्छा उन्होंने संदेश दिया कि अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं, जबकि जैसे ही बहू आती है प्रेम सरीखे रखिए और बेटी सरीखे रखिए और हमेशा जो है एक्टिव रहिए। आप सोचिए कि इतनी उम्र में भी इतनी एक्टिव हैं कि उनको खास वाली फीलिंग नहीं चाहिए, वो लाइन में लगकर जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री वोटिंग करने जाते हैं तो अपने क्यू का इंतज़ार करते कि मेरी बारी कब आएगी। ठीक वैसे ही मैंने माता जी को देखा है और बहुत डाउन टू अर्थ। और बहुत अच्छी बात है कि बहू रानी को ज़्यादा अहमियत देती हैं और दे भी क्यों ना, क्योंकि बहू रानी भी अपना टाइम जो है माता जी के साथ स्पेंड भी करती हैं, उनकी देखभाल भी करती हैं और उतने ही प्यार से जैसे कि अपनी खुद की माँ है वैसा रखती हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही इंटरव्यू को पहले तो आप देखिए और उसके बाद समझिए कि परिवार में आज तनाव, विवाद, लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और देखिए यहाँ पर दोनों, अगर मैं बात करूँ सास और बहू की जो जोड़ी है वो एकता कपूर के ककहरे नहीं देखती, वो ज्ञान विज्ञान की बातें सीखती हैं। सुबह होते ही सुबह की शुरुआत जो है वो न्यूज़पेपर और चाय के साथ तो होती ही है, साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में होती है। रामायण पढ़ती हैं माता जी? पढ़ती है। देखिए रामायण के संस्कार हैं जो दीपक जी आज इस प्रकार से प्रकाशमान हो रहे जबलपुर शहर में। और एक उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि शिक्षा जो है वो सबके लिए ज़रूरी है और इसीलिए शिक्षा के लिए जो यहाँ पर मनमानी चल रही थी उस पर लगाम लगा दी है और अभिभावकों के हक की बात की है। और आज अगर मैं बात करूँ, मैं अभिभावकों से जब मैं मिलती हूँ तो कहते पहला कलेक्टर आया जिसने हमारे दिल की बात सुनी। प्रधानमंत्री सबके मन की बात सुनते हैं लेकिन हमारे जबलपुर शहर के कलेक्टर दिल की बात सुनते हैं। तो ये खासियत है गंगा जी की परवरिश की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद ऐसे ही रेवा टीवी पर बना रहे यही चाहूंगी मैं और ऐसी माएँ सबको दें। धन्यवाद।